देखिए आप लोग यहाँ पे बहुत सारा ग्रीनरी है। रास्ता रास्ता कैसा था? रास्ता तो लास्ट 10 किलोमीटर तो बहुत ही गंदा था। सो एवरीवन, दिस इज चलंतिका लॉज। लेकिन गाइज आप लोग देखो, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये रास्ता बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम लोग खाने वाले हैं चिकन और राइस लेंगे हम लोग। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नील आप सबको वेलकम कर रहा हूँ आप लोगों का यूट्यूब चैनल में। का एक और नया राइड होने वाला है आज। सो आज का जो राइड होने वाला है वो हो रहा है गादियारा के लिए। तो आज हम लोग 3 जाने वाले थे, मैं, रॉनी और शोभिक, लेकिन शोभिक लास्ट मिनट में धोखा दे दिया यार। तो क्या करे, चो कोई बात नहीं, हम लोग तो करेंगे ही ना राइड। तो दिस इज रॉनी। रॉनी थोड़ा हेलो कर दे। तो अभी वो पूरा गियर अप हो गया है, तो अभी वो मुंह अपना छुपा लिया है। तो नेक्स्ट जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे वो अपना मुंह दिखा देगा। और आप लोग मेरा एक्शन कैमरा का फुटेज अब तक एंजॉय करो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। फाइनली हम लोग गादियारा पहुंच गए। 92 किलोमीटर का राइड था, लेकिन हम लोग मतलब बीच में 2 बार रुके, लेकिन वहाँ पे इतना शोर शराबा था तो मैं ब्लॉगिंग वहाँ पे नहीं कर पाया। तो अभी मैं फाइनली पहुंच गया यहाँ पे गादियारा में। वो देखिए वहाँ पे उस साइड वो पूरा नदी है उस साइड। और हम लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे रोड देखिए एक बार। तो ये थोड़ा रोड था, मतलब मैक्सिमम 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर का होगा, थोड़ा ऑफ रोड टाइप का था। और आज तो डेट है, मैं सुबह आपको बोलना भूल गया था, आज 23rd of December है। और ठंड बहुत है यार यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो अच्छा भी लग रहा है लेकिन उससे ठंड भी लग रहा है। तो चलो जो भी होता है, हम लोग राइड कंप्लीट कर चुके हैं हम लोगों का आने का। अब हम यहाँ पे घूमेंगे और डिस्कवर करेंगे, जो भी जितना कुछ मिलेगा आप लोगों को दिखाएंगे। और उसके बाद हम लोग लंच करेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करके हम लोग 3 बजे के आसपास हम लोग यहाँ से घर के लिए फिर से स्टार्ट कर देंगे अपना हम लोगों का राइड। तो चलो तब तक के लिए आप लोग ये हमारा गाड़ी का सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो और हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। फिर से लौट आया हूँ आप सब के लिए।
अभी हम लोग यहाँ पे वहाँ पे रिवर साइड में घूम लिए, फोटोग्राफी कर लिए, थोड़ा रिवर घूम लिए। जब आफ्टर लंच में वहाँ पे फिर से जाऊँगा हम लोग, तो वहाँ पे आप लोगों का लोकेशन का थोड़ा डिस्कवर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का गाड़ी जैसे कि पार्क हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ पे लंच करने आए हैं। और ये रिसोर्ट है चलंतिका रिसोर्ट, यहाँ पे इसका नाम है चलंतिका रिसोर्ट। तो हम लोग यहाँ पे अभी कुछ लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके फिर रिवर साइड जाएंगे और फिर से थोड़ा फोटोग्राफी करेंगे, थोड़ा लोकेशन डिस्कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग घर के लिए चलते बनेंगे। सो तब तक के लिए अंदर तो बहुत सारा शोर शराबा है। सो एवरीवन, दिस इज़ चलंतिका लॉज। तो अभी हम लोग खाने वाले हैं चिकन और राइस लेंगे हम लोग। तो अंदर बहुत सारा शोर शराबा है, इसलिए मैं अंदर मतलब ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा। तो अभी यहाँ पे ही मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो ये लोकेशन वाइज बहुत सारा अच्छा है, देखिए आप लोग, यहाँ पे बहुत सारा ग्रीनरी है कुछ है, और यहाँ पे भी बहुत सारे कुछ सुंदर है। तो चलो फिर से हम वहाँ पे जाते हैं और खाते हैं, खाने के बाद आप लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप बिल्कुल बने रहिए हम लोगों से। टिल देन बाय। फ्रेंड्स, हम लोगों का लंच हो गया, हम लोगों का यहाँ पे घूमना भी हो गया। सो अभी टाइम हो गया है हम लोगों के घर जाने का। तो आइए रॉनी से थोड़ा पूछते हैं आज का राइड का एक्सपीरियंस कैसा है। रॉनी, हाय गाइस, बहुत ही अच्छा ट्रिप था आज का। एक्सपीरियंस तो बोल आज कैसा है, मेरे साथ तो तेरा ये फर्स्ट ट्रिप है। इससे पहले भी ट्रिप हुआ था, लेकिन तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, तब मेरा बाइक नहीं था ना। हाँ, वो भी बात सही है, लेकिन आज बोल कैसा लग रहा है मेरे साथ। विंटर ट्रिप तो Always is good. Okay. तो आज का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। तो अच्छा अभी रहा। तो पाँच और रास्ता कैसा था? रास्ता तो लास्ट 10 किलोमीटर तो बहुत ही गंदा था। हाँ, वो बात तो सही है। हाईवे तो एकदम ठीक ठाक था। हाँ, जब तक मतलब कुलाघाट का रास्ता जब तक था एकदम बिल्कुल था, उसके बाद उसके मतलब बाद ही फंसने लगा। हाँ, स्टेट हाईवे आ गया। तो लेकिन गाइस आप लोग देखो, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, ये पूरा एक विलेज का फील देता है। सो चलो जाते हैं। और कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ अच्छा लोकेशन था नहीं, तो जितना कुछ है उतना में ही हम लोग मैनेज कर लिए। लंच भी हो गया लंच, और बाय द वे वहाँ पे होटल का खाना बहुत अच्छा था यार। मतलब वहाँ पे मील सिस्टम था 200 का, लेकिन वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था खाना, बहुत बढ़िया था। स्पेशली द चिकन वॉज फैंटास्टिक। सो और ज़्यादा बकबक बंद करते हैं और हम लोग घर के लिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर कोई मौका मिले रास्ते में, अगर हम लोग फिर से कहीं पे रुके, तो फिर मैं ब्लॉग करूँगा, नहीं तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करना। और जाते टाइम मैं एक बात ज़रूर बोल के जाऊँगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोग तो जानते हो, ये आवर नहीं बोले, ये आप लोगों का भी चैनल है। सो आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाओ, तभी तो हम लोगों का भी एनकरेज आएगा और हम लोग भी बहुत सारा वीडियो कर पाएंगे। सो नेक्स्ट ट्रिप के लिए वेट करो, तब तक के लिए बाय। अभी हम लोग आ चुके हैं जिलागढ़, जो कि यहाँ पे जिलागढ़ टोल आप लोगों को दिख रहा है पीछे।
तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और बीच में बहुत सारा रास्ता में जाम था, इसलिए आने में थोड़ा देरी हो गया। तो अभी यहाँ से और ओनली 40 किलोमीटर्स है रिमेनिंग हम लोगों के घर में। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा चाय पिए थे, ठीक है, और कुछ स्नैक्स वगैरह खाए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, ये नेक्स्ट राइड बहुत जल्दी होने वाला है, तो तब तक के लिए अभी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा 5 मिनट के लिए रुके थे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो नेक्स्ट राइड पर फिर से आपसे मुलाकात होगा, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। एंड जाने से पहले एक बात और बोलना चाहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड मी विल साइनिंग ऑफ।